रूसी सेना ने ज़ापोरिज़िया के मालिनोवका इलाके में की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। रूसी सेना ने यूक्रेन के एम्युनिशन डिपो पर कई मिसाइलें डाली। रूसी सेना के हमले के बाद डिपो में जोरदार धमाका, गोला बारूद जलकर खाक। हमले में मिलिट्री इक्विपमेंट भी तबाह। यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम को तबाह करना चाहता है रूस। रिपोर्ट की माने तो यूक्रेनी सिस्टम को बर्बाद करने के लिए रूस कैलिबर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन वॉर के एक साल पूरे होने पर रूसी ब्रिगेड ने पूर्वी यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। डीपीआर चीफ डेनिस पुशिलिन के मुताबिक डोनेट्स के अवदीवका पर रूस ने बढ़त बनाई। खेरसोन के रिहायशी इलाके में यूक्रेनी सेना ने गोलाबारी की है। आर्मर्ड व्हीकल और रॉकेट से हमला किया। डोनेट्स में यूक्रेन का मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से बड़ा हमला। यूक्रेन की सेना ने रूसी ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेनी सैनिकों ने M270 MLRS से किया था। उग्लेडार के बाहरी इलाके में भीषण लड़ाई। यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकानों पर जबरदस्त हमला। यूक्रेन की स्ट्राइक से पूरा दहला इलाका। यूक्रेन के पश्चिमी इलाके पर रूस का बड़ा हमला। रूसी सेना का खमेलित्स्की में ड्रोन से हमला। शाहिद ड्रोन से यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले से खमेलित्स्की में भारी तबाही। न्यूक्लियर वॉर की आशंका के बीच रूस का न्यूक्लियर हथियारों का शक्ति प्रदर्शन जारी। रूस ने यार्स ICBM को मॉस्को के लिए रवाना किया। रूस समर्थित DPR लड़ाकों का जबरदस्त एक्शन। जंग में रूसी सेना की कर रहे मदद। रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन पर किया जोरदार अटैक। सिसोदिया पर बीजेपी का बड़ा हमला। का सिसोदिया नंबर वन आरोपी, आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी। कोर्ट में CBI का बयान। सिसोदिया के कंप्यूटर से मिली ड्राफ्ट कॉपी जिसमें कमीशन बढ़ाने की बात का जिक्र। 5 दिन की CBI रिमांड पर मनीष सिसोदिया। CBI मुख्यालय के बेसमेंट में बने लॉकअप में गुजरी सिसोदिया की रात। CBI सूत्रों की माने तो सिसोदिया के लॉकअप में लगा हुआ है CCTV। CISF का एक स्टाफ लॉकअप के गेट पर 24 घंटे मुस्तैद। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर देश भर में आम आदमी पार्टी ने मनाया काला दिवस। उमेश पाल का हत्यारा अरबाज एनकाउंटर में ढेर। अतीक अहमद के बेटे का ड्राइवर था अरबाज। अरबाज पर उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल क्रेटा गाड़ी चलाने का आरोप। हत्याकांड का मास्टरमाइंड सदाकत खान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से गिरफ्तार। अतीक अहमद के भाई अशरफ से मिलाई करवाने वालों की जांच कर रही है पुलिस। आज बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ईज ऑफ लिविंग यूजिंग टेक्नोलॉजी पर होगी वेबिनार की थीम। बाखमुट में जारी भीषण जंग के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। कहा बाखमुट और उसके आसपास की स्थिति भयावह। रूसी सेना T-90 टैंक से यूक्रेनी ठिकानों को चुन चुनकर बना रही है निशाना। रूसी सेना बैटलफील्ड में T-90M का एक्शन का वीडियो जारी। मकीवका में रूसी सेना का ड्रोन से हमला। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। स्वातोवो में रूसी सेना का बड़ा हमला। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी फौज पर जोरदार अटैक किया। यूक्रेनी सेना ने रूसी हमलों का काउंटर अटैक करते हुए बेलगोरोड पर ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेन के मरीन्स ने वॉर जोन में मोर्चा संभाला। रूसी सेना के काफिले पर जबरदस्त गोलाबारी की। कीव के ऊपर रूस ने किया टैक्टिकल अटैक। यूक्रेनी आर्मी के इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सेंटर पर अटैक। यूक्रेन पर बड़ा एयर अटैक करने की तैयारी में रूस। यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी फाइटर प्लेन्स का जमावड़ा। यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने किया दावा। व्लादिमीर में दिखी रूस की खतरनाक सरमत मिसाइल। व्लादिमीर से मॉस्को की तरफ जाती दिखी सरमत मिसाइल। आज सहारनपुर अमरोहा के दौरे पर अमित शाह और नड्डा लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। बिना नाम लिए गांधी परिवार पर पीएम मोदी का हमला। कहा धूप में खड़गे को नसीब नहीं हुई छतरी। एक परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया। बोले पीएम जनता समझ रही है रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में। पीएम मोदी के बयान पर खड़गे का पलटवार। बोले आपके परम मित्र ने देश के आकाश से लेकर पाताल तक सब लूटा, ये बताइए अडानी पर JPC कब। आज से 10 दिनों के लिए इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। सूत्रों की माने तो राहुल के फेलोशिप से जुड़ी है ये यात्रा। बच्चे को लेकर विधानसभा पहुंचे MLA सरोज अहिरे। कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाने पर हुई भावुक। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में कोर्ट ने लालू राबड़ी समेत 14 को समन भेजा। सभी को 15 मार्च तक कोर्ट में पेश होने का आदेश। CBI की चार्जशीट पर भेजा गया समन। CBI ने रेलवे में कथित नियुक्ति के बदले लालू परिवार को जमीन देने या बेचने को लेकर दाखिल की थी चार्जशीट। मेघालय और नागालैंड में रिकॉर्ड वोटिंग। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नागालैंड में 83% से ज्यादा हुआ मतदान। 2 मार्च को आएगा रिजल्ट। नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी शशांक शेखर का बयान। बोले 3 सीटों पर हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच 82% से ज्यादा मतदान दर्ज। नागालैंड के 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की दोबारा वोटिंग की अपील। कुछ मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। बेलगावी में पीएम मोदी का 11 किलोमीटर लंबा रोड शो। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। राज्यसभा से विपक्षी दलों के 13 सांसदों को नोटिस। राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब।
आज पेश होगा बिहार का बजट। महागठबंधन सरकार बनने के बाद पहली बार बजट पेश करेगी सरकार। ओवैसी के रिश्तेदार ने खुद को गोली मारकर किया सुसाइड। पुलिस के मुताबिक संपत्ति और पारिवारिक विवाद हो सकती है वजह। स्वामी यशवीर ने मौलाना मदनी को दी शस्त्रास्त्र की चुनौती। यूपी के जौनपुर में गडकरी ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का किया उद्घाटन। असम में 11 परिवारों ने हिंदू धर्म की वापसी, अपना लिया था ईसाई धर्म। भगवान राम की मूर्ति के लिए राजस्थान से दो पत्थर पहुंचे अयोध्या। चंपत राय के मुताबिक एक और शिलाखंड राजस्थान से आएगा। सीबीएसई ने छात्रों को अफवाह फैलाने में शामिल नहीं होने की दी चेतावनी। फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की दी चेतावनी। बखमुट में यूक्रेनी सेना का भीषण अटैक, रूसी सेना के ठिकाने को निशाना बनाया। उग्लेटर में रूसी सेना का जबरदस्त हमला, यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेनी सैनिकों ने रशियन BMP-2 को किया ध्वस्त। बखमुट के फ्रंट पर यूक्रेन का काउंटर अटैक। बखमुट में रूस यूक्रेन सेनाओं में जबरदस्त लड़ाई, यूक्रेनी सेना का बखमुट में पलटवार। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक, रूसी टैंकों और सैन्य वाहनों पर अटैक। जंग में यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा आत्मघाती कदम, रूस के बाद पहली बार बेलारूस में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। मिन्स्क के बेहद करीब एयरबेस को यूक्रेन ने बना निशाना, यूक्रेनी ड्रोन अटैक में रूस का A-50 विमान तबाह। बेलारूस ड्रोन अटैक पर बहुत बड़ा खुलासा, यूक्रेन के RZ-16 ड्रोन ने रूसी विमान को निशाना बनाया। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद एक्शन में लुकाशेंको, सैन्य अफसरों के साथ लुकाशेंको ने की मीटिंग। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुनवाई, 3 अधिवक्ताओं के दावों पर आज मथुरा कोर्ट करेगा फैसला। एनसीपी लीडर नवाब मलिक की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, नवाब मलिक ने मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत देने की मांग की। शिवसेना के शिंदे ठाकरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में लगातार 3 दिनों तक सुनवाई। रामपुर CRPF कैंप पर हमले में कोर्ट का बड़ा फैसला, चारों आतंकियों की सुनवाई, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यूपी में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों के तबादले, गौतम बुद्ध नगर के DM समेत एक दर्जन से ज्यादा अधिकारियों का तबादला। जोशीमठ में दरारों के बाद अब बद्रीनाथ हाईवे पर फूटा जल स्रोत, स्रोत फूटने से चारों तरफ अफरा तफरी मची। गुजरात के वलसाड में एक फार्मा कंपनी में विस्फोट, ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत, 2 घायल। कल बरसाने के श्रीजी मंदिर में धूमधाम से खेली गई लड्डू होली, मंदिर प्रांगण में मौजूद भक्तों ने फेंके लड्डू। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा कदम, सरकार ने शुरू की फेम योजना। PF पर ब्याज को लेकर CBT की जल्द बैठक, 2022-23 के लिए तय होगी ब्याज दरें। बाखमुट के रिहायशी इलाके में वैगनर ग्रुप ने बोला हमला, कई घरों को निशाना बनाया। रूस ने कीव पर बैक टू बैक ईरानी ड्रोन से हमले किए, यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने 9 रूसी ड्रोन आसमान में मार गिराए। लुहांस्क में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों का चुन चुन कर किया सफाया। क्रीमिया में रूस की जासूसी एजेंसी FSB ने यूक्रेन के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया। अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन सरप्राइज विजिट पर की पहुंच। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका के सैन्य मूवमेंट से भड़का चीन। ताइवान स्ट्रेट में जापान सी तक चीन की नेवल फ्लीट का मूवमेंट तेज। कब्जाधारी चीन ने -20 डिग्री के तापमान में भी घुसपैठ करने वाला दस्ता तैयार किया। अमेरिका और इसराइल का काउंटर करने के लिए ईरान ने न्यूक्लियर तैयारियों को तेज कर दिया। ईरान ने 84% प्योरिटी का यूरेनियम हासिल। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में छात्र गुटों में जबरदस्त झड़प, बलूच और पश्तून छात्रों के बीच मारपीट। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। पटियाला यूनिवर्सिटी में छात्र गुटों में खूनी झड़प, छात्रों के बीच हुई चाकूबाजी। ग्रेटर नोएडा में जगन्नाथ यात्रा की आतिशबाजी के दौरान बड़ा हादसा, पटाखों से भरे ई रिक्शा में आग लग गई, 3 झुलसे। उदयपुर में आग लगने से टेंट का सामान जला, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नागालैंड के कोहिमा में माओ मार्केट में लगी भीषण आग, कई दुकानें आग में जल गई। MP के खंडवा में आग का तांडव, भीषण आग में 30 से ज्यादा मकान जलकर खाक। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक कंपनी में लगी भीषण आग, आग के बाद चारों तरफ धुएं का उठा गुबार। जौनपुर में पत्रकार पर हमले के मामले में BJP जिलाध्यक्ष के छोटे भाई समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच बहस, फोर्स ने हिंसा से बचने के लिए जारी किए सख्त निर्देश। यूपी के सहारनपुर में बेकाबू गाड़ियों का कहर, ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर।